हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? रोहित, मनोज, कैसे हो भाई? कैसे चल रही है आपकी तैयारी एग्जाम की? जो भी दर्शक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी का मैं बीइंग ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अरिथमेटिक मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन की 13th यानी लास्ट क्लास है आज। बिल्कुल, ये क्लास फ्राइडे को होने वाली थी, बट कुछ कारणवश हम ये क्लास फ्राइडे और सैटरडे नहीं कंडक्ट कर पाए, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई है, तो मैं भी एक पार्ट बन रहा था उसका। आप सब भी उसका हिस्सा बनिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। तो वैक्सीन लगवाई थी तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला गया, अगले दिन क्लास ली नहीं गई, तो आज क्लास लेनी पॉसिबल हो पाई है। तो आज मैं आपके बीच में हूँ, जैसा कि मैंने कमिट किया हुआ है कि हफ्ते में 4 दिन आपकी क्लासेस होगी, तो 3 ही क्लासेस हो पाई थी अभी तक। आज क्लास लेके मैं 4th क्लास वाला कमिटमेंट फुलफिल कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं। 7th क्लास में हमने कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन डिस्कस किया था, और 9th से 13 लेक्चर, जो मतलब आज का लेक्चर जो है, और 9th लेक्चर से हमने एलिगेशन के क्वेश्चन ही किए हैं, और पहले 8 क्लासेस में हमने मिक्सर के क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोग जाके वो क्लासेस देख सकते हैं, मिक्सर के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो बच्चा CGL 2020 की, जो कि अगस्त या सितंबर में होने के चांसेस हैं, आपको पता ही है, आपने देखी होगी मेरी पोस्टपोन वाली वीडियो, उसमें मैंने बताया कि कौन कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, कब तक पोस्टपोन हुआ है, और कब तक उन एग्ज़ामों की मतलब एग्ज़ाम्स जो वो हैं, कब तक उन एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का सोचा जा सकता है कमीशन के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं, और कब वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के नोटिस आए, वो सब मैंने बताया है उसमें। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। माना जा सकता है कि अगस्त या सितंबर तक वो एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे तब तक हम अरिथमेटिक तो ख़त्म कर ही देंगे, और एडवांस के भी हम एक दो, मेरे हिसाब से 2 चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों भी हम तब तक ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग ऐसा प्रैक्टिस बैच भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आपका बेसिक ठीक है, आप यहाँ पर आके हमारा प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर बेसिक भी क्लियर नहीं है आपका, तो हम बेसिक से एडवांस सारा कुछ कराते हैं, 100% सिलेबस कवर कराते हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर कंटेंट जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे लेकर चलते हैं। प्रीवियस ईयर तो ऑलमोस्ट सारा कंटेंट है हमारे पास, और जो आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सभी हम लोग कवर करते चलते हैं। और बैंकिंग, CDS, LIC, FCI, EPFO, NDA, CAT और CSET के भी हम क्वेश्चन लेते हैं, जो SSC में आने की संभावना लगती है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। तो आज की क्लास में भी आज की क्लास में भी हम लोग एलिगेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो कोर्स हम चला रहे हैं, ये SSC बेस्ड एग्ज़ाम्स, मतलब SSC जो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उन सभी एग्ज़ाम पर फोकस करके हम ये कोर्स चला रहे हैं। SSC के एग्ज़ाम्स हैं CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, कॉन्स्टेबल जूडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, और CGL प्री और मेंस, दोनों में मैथमेटिक्स आता है, इसलिए हम दोनों की तैयारी करते चलते चल रहे हैं। अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे। अब ठीक है भाई मनोज, अब ठीक है। और रेलवे और SSC का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम है, एक ही एग्ज़ाम पैटर्न है इनका, तो रेलवे का भी ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाता है। बैंकिंग, CDS, LIC, FCI, EPFO, NDA, CAT और CSET का भी हम 80-85% सिलेबस कवर करते चल रहे हैं। मैं प्रतीक सेठी, बीइंग ऑफिशियल एक इनिशिएटिव शुरू किया ताकि आप तक एजुकेशन पहुंचाई जा सके, ताकि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर सकें, और इस एजुकेशन का आपको कोई चार्ज नहीं पे करना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, इसका लाभ उठाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें। और डिस्क्रिप्शन में आपको जहाँ जहाँ हम अवेलेबल हैं, वो सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। इससे पहले जो जो हमने चैप्टर किए हैं, उन सारे चैप्टर्स के लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। CGL प्री 2019 में मेरा 50 out of 50 स्कोर था, मेंस में मेरा 197.5 out of 200 स्कोर था, और नेक्स्ट जो अब मंडे आने वाला है, मतलब नेक्स्ट क्लास जो मंडे को होने वाली है, मतलब कल होने वाली है, इसमें हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे, तो देखना ना भूलें, बिल्कुल बेसिक से कवर करना शुरू करेंगे इसको, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। मेंस का भी हम लोग सब कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल एडवांस का एडवांस, मेंस का भी मेंस हो जाए ना, वो भी क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा,
मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन में बोला है मैन वेमेन एंड चिल्ड्रन लिव इन अ विलेज, आदमी औरतें और बच्चे एक विलेज में गांव में रहते हैं। एवरेज एज ऑफ मैन वेमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब मैन की एवरेज एज है 24 ईयर्स, वेमेन की एवरेज एज है 21 ईयर्स और चिल्ड्रन की एवरेज एज है 16 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ मैन एंड वेमेन टुगेदर, अगर मैन और वुमेन की साथ में बात करें तो एवरेज एज 23 ईयर्स है, और वेमेन और चिल्ड्रन की साथ में बात करें तो एवरेज एज है 15 ईयर्स। फाइंड द एवरेज एज ऑफ मैन एंड चिल्ड्रन टुगेदर रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली काट देना और यहाँ पर आएगा टुगेदर। फाइंड द एवरेज एज ऑफ मैन एंड चिल्ड्रन टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक गांव में आदमी औरतें और बच्चे रहती हैं। आदमी की अगर मैं एवरेज एज देखूं, आदमियों की अगर मैं एवरेज देखूं तो 24 साल है, वुमेन की अगर मैं एवरेज एज देखूं तो 21 साल है, और अगर मैं बच्चों की एवरेज देखूं एज तो 6 साल है। अगर मैं मैन और वुमेन की एवरेज एज साथ में देखूं तो 23 साल है, अगर मैं वुमेन और चिल्ड्रन की साथ में एवरेज एज देखूं तो 15 साल है। बताइए मैन और चिल्ड्रन की एवरेज एज साथ में कितनी होगी। हम लिख लेते हैं पहले तो मैन को एम, वुमेन को डब्ल्यू, चिल्ड्रन को सी। हमने देखा कि मैन की एवरेज एज कितनी 24, वुमेन की कितनी 21, चिल्ड्रन की कितनी 6। हमने देखा कि फिर बोला है कि मैन और वुमेन की अगर मैं साथ में बात करूं तो एवरेज एज कितनी 23, मैन की 24, वुमेन की 21, और दोनों के मिला के बात कर रहा है तो आपको पता है कि मीन वैल्यू में 23 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वुमेन और चिल्ड्रन की साथ में मिला के बात कर रहा तो बोल रहा है कि 15 साल है, तो आपको पता चल गया है यहाँ से कि हम लोग 23 और 15 को मीन वैल्यू की जगह पे लिखने वाले हैं, क्योंकि जब मैन और मैन वुमेन की हम अलग बात कर रहे थे तो हमने इनको अलग अलग लिख लिया, जब मैन और वुमेन की हम साथ में बात हो रही है तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वुमेन और चिल्ड्रन की जब अलग अलग बात हो रही थी हमने इनको अलग अलग लिख लिया, अब वुमेन और चिल्ड्रन की साथ में बात हो रही है तो बीच में लिख लिया, अलग अलग आप इनको सॉल्व कर लीजिए। आपने देखा कि यार मैन और वुमेन का केस उठाता हूँ, 24 साल मैन की एज, 21 साल वुमेन की एवरेज एज, एवरेज एज है ये भी एवरेज एज है और ये भी एवरेज एज। आपने देखा यूनिट दोनों की सेम हो गई, मैन और वुमेन की जब अलग अलग बात कर रहे थे अलग अलग लिख लिया, अब मैन और वुमेन साथ में बात हो रही है जिसमें मैन और वुमेन दोनों है तो इनको बीच में लिख लिया। सॉल्व करते हैं, यहाँ से 3:1 आ गया। ऐसे ही हमने वुमेन और चिल्ड्रन का रेशो निकाल लिया कि हमें यहाँ से एक पता चला क्या कि एवरेज एज में जब हमने एलिगेशन लगाया तो हमें पता चल गया कि मैन और वुमेन किस रेशो में है। ऐसे ही मैं पता कर लूँगा क्या कि वुमेन और चिल्ड्रन किस रेशो में है गांव में। तो हमने देखा कि वुमेन और चिल्ड्रन किस रेशो में है, एवरेज एज ऑफ वुमेन, एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन और एवरेज एज ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन टुगेदर। तो हमने यहाँ से देखा कि इसको सॉल्व किया 9 आ गया, इसको सॉल्व किया 6 आ गया, यहाँ से 3:2 आ गया। हमने देखा कि मैन और वुमेन का रेशो है 3:1 और वुमेन और चिल्ड्रन का रेशो है कितना 3:2। तो हमें क्या करना है, एक ही रेशो, कंबाइंड रेशो तैयार करना है, किसका, मैन वुमेन और चिल्ड्रन का। तो आपने देखा कि मैन और वुमेन का रेशो इसमें दिया, वुमेन और चिल्ड्रन का इसमें दिया, दोनों में कॉमन क्या है वुमेन, वुमेन को हम इक्वल कर देंगे। वुमेन को इक्वल करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो आपने देखा कि 9:3:2 आपके पास क्या आ गया, नहीं यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 2:1 है और यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। पर 6 आ जाए। तो हमने देखा क्या कि वुमेन, मैन वुमेन और चिल्ड्रन किस रेशो में है, मतलब जो मैन वुमेन और चिल्ड्रन गांव में रह रहे हैं वो किस अनुपात में रह रहे हैं, कि मैन तो 6 है, वुमेन है 3 और चिल्ड्रन कितने हैं 2। तो हमें नंबर ऑफ मैन वुमेन और चिल्ड्रन का रेशो पता चल गया कितना 6, 3 और 2। अब निकालना क्या है, एवरेज एज ऑफ मैन एंड चिल्ड्रन टुगेदर निकालना है। तो आप इसको एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, आपने देखा कि अब बात करनी है किस किस की, मैन की और चिल्ड्रन की, तो आप लोग इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। एलिगेशन से कैसे करेंगे, हमने देखा मैन और चिल्ड्रन, मैन की एवरेज है 24, चिल्ड्रन की 6, ठीक है। ये हमें निकालना है कि मैन और चिल्ड्रन की जब साथ में बात करेंगे तो एवरेज एज कितनी होगी, और यहाँ से कितना आ गया, मैन और चिल्ड्रन का रेशो 6:2। तो आपने देखा ये 3:1 हो गया। ऊपर
का डिफरेंस होता है आपको पता है, नीचे वाले का एडिशन मतलब रेशो का एडिशन, एडिशन किया रेशो का कितना आ गया 4, डिफरेंस कितना 8, एक की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। अब एक की वैल्यू 4.5 आ गई, 24 है बड़ा 6 है छोटा, तो 24 में से 4.5 को हमें माइनस करना पड़ेगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 19.5 ईयर्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन इसके लिख लेना आप लोग 19.5, 18.5, 20 और 22, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई कहे सर ना मुझे तो डेविएशन बताइए, तो डेविएशन देख लो, हमने देखा कि मेन की एवरेज एज कितनी 24, चिल्ड्रन की कितनी 6, और किस अनुपात में 6:2 में, इसको काट भी सकते हो आप, 3:1 लिख सकते हो। तो आपने क्या किया, 6 को बेस वैल्यू माना, आपको पता है कि ये 6 से कितनी ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, 6 से 18 ज़्यादा है तो 18 लिखा, कितनों की ज़्यादा है 3 की ज़्यादा है। अब ये बांटनी कितने में है 3 और 1 4 में टोटल में, तो हमने देखा कि ये कितना हो गया 4.5, 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 13.5 को अगर मैं 6 में जोड़ूँ तो कितना आएगा 19.5, और ऐसे ही है यहाँ से आना था, क्या करना था हमें, एक की वैल्यू 4.5 निकाली तो 3 की वैल्यू कितनी 13.5 आ जाएगी, 6 है छोटा और यहाँ पे 13.5 आया हुआ है, तो आपको क्या करना है 6 के साथ जोड़ देना इसको, 19.5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मनोज और रोहित, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, क्वेश्चन छूट गया था इसलिए करा दिया आपको, पहले हम ये क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन में बोला है इन अ पार्टी, एक पार्टी है जिसमें मेन है विमेन है चिल्ड्रन है, ठीक है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ मेन मतलब आदमियों की जो संख्या है और बच्चों की जो संख्या है वो किस अनुपात में, 72:21 में, 16% ऑफ द वुमेन एंड 7% ऑफ द चिल्ड्रन हैव अ स्मार्ट वॉच, मतलब जो आजकल हाथ में पहन नहीं रहे वो एप्पल वगैरह वाली डुप्लीकेट भी आ रही है, और वैसे भी वो स्मार्ट वॉच आती है डिजिटल वॉच जिसको बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो 67% जो है वुमेन के पास है और 7% चिल्ड्रन के पास स्मार्ट वॉच है, और ओवरऑल की बात करूं जब मैं वुमेन और चिल्ड्रन को मिला के तो 46% बंदों के पास क्या है स्मार्ट वॉच, 70% ऑफ द पीपल इन द पार्टी, यहाँ दा लिख लेता, 70% ऑफ द पीपल इन द पार्टी हैव अ स्मार्ट वॉच, तो आपने देखा कि 70% पीपल के पास स्मार्ट वॉच है पार्टी में, टोटल नंबर ऑफ पीपल के पास, मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि मेन वुमेन और चिल्ड्रन तीनों को मिला के 70% पीपल के पास स्मार्ट वॉच है, फाइंड द रेशो ऑफ द मेन That do not have smartwatch, उनका अनुपात बताइए जिनके पास स्मार्ट वॉच नहीं है आदमियों के पास और जिनके पास स्मार्ट वॉच है आदमियों के पास, ये पूछा है, सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं क्या कि यार मेन और चिल्ड्रन का तो हमें पता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ मेन कितने हैं, उनका अनुपात हमें पता है, ठीक है, वुमेन की कंडीशन दे रखी है चिल्ड्रन के साथ, हमें क्या दिया है कि 67% वुमेन 7% चिल्ड्रन इनके पास स्मार्ट वॉच है, और टोटल मिला के अगर मैं विमेन और चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ तो 46% के पास स्मार्ट वॉच है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एलिगेशन लगाता हूँ पहले इन्हीं पे, क्या कि विमेन देखा चिल्ड्रन देखा 67% विमेन के पास स्मार्ट वॉच है, 7% चिल्ड्रन के पास स्मार्ट वॉच है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जब हम दोनों हम विमेन और चिल्ड्रन दोनों की अलग अलग बात कर रहे हैं तो हमने इनको अलग अलग लिख लिया। अब ओवरऑल में वुमेन और चिल्ड्रन दोनों की बात हो रही है, 46% लोगों के पास
स्मार्ट वॉच है। आपने देखा यूनिट सेम है, कैसे परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, ये भी स्मार्ट वॉच की बात हो रही है कि 67% के पास स्मार्ट वॉच है, इधर भी स्मार्ट वॉच की बात हो रही है कि 7% के पास स्मार्ट वॉच है। स्मार्ट वॉच नहीं, स्मार्ट वॉच, जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है आज, ठीक है। और 46% के पास भी स्मार्ट वॉच है, ठीक है, जब वेमेन और चिल्ड्रन मिला के बात कर रहा हूँ। सॉल्व कर लेते हैं, हमने देखा कि इधर माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस होगा, 46 में से 7 गए तो आपने देखा कि ये 39 आ गया, और इधर से इधर अगर मैं माइनस करूँ तो ये 21 आ गया, ये चला जाएगा, कितना अनुपात बैठ जाएगा, 13:7, मतलब नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपस में किस अनुपात में, 3:7 में। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि चिल्ड्रन और मेन किस अनुपात में थे, 21:72 में। पहले तो मैं ये देखता हूँ क्या कि ये आपस में घट सकता है, हाँ 3 पे जाएगा, 3 पे गया तो ये 7 आ गया और यहाँ पर आ गया 24, ठीक है। विमेन और चिल्ड्रन का जो अनुपात है वो किस अनुपात में है, 13:7। तो जब हमें इन दोनों रेशो को कंबाइंड करना है तो हमने देखा कि दोनों में चिल्ड्रन कॉमन है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम कॉमन रख के हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन की वैल्यू इक्वल करेंगे, पहले ही वैल्यू इक्वल दे रखी है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, विमेन चिल्ड्रन और मेन को रेशो में लिखेंगे, तो नंबर ऑफ विमेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर ऑफ मेन किस अनुपात में आ गए, 13:7:24 में। अभी हमारा ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये जो चीज़ है ये हमारी अभी ख़त्म हो गई। उसके बाद बोला है कि 70% पीपल के पास स्मार्ट वॉच है, मतलब अगर मैं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ उसमें 70% लोगों के पास स्मार्ट वॉच है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने देखा कि 70% के पास स्मार्ट वॉच है, अगर मैं विमेन और चिल्ड्रन दोनों के साथ में मिला के बात करता हूँ तो आपको पता है कितने लोगों के पास स्मार्ट वॉच है, 46% के पास, ठीक है। मैं मेन की अलग बात कर लेता हूँ क्योंकि मेन की तो वैल्यू अभी निकालनी है कि मेन कितने परसेंट लोगों के पास स्मार्ट वॉच है, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं कि मेन और विमेन का, मेन का विमेन और चिल्ड्रन के हिसाब से क्या रेशो बैठता है, मेन है 24 और विमेन और चिल्ड्रन को अगर मैं साथ में जोड़ दूं तो 13:7 कितना हो जाएगा, 20। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, 20 और यहाँ पे आ गया 24, ये हो गया 6 और ये कितने पे गया, आपको पता है ये गया कितने पे, 6, 5, ये गया 5 पे। सॉल्व कर लीजिए, आपने देखा कि 46 और 70, जब माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 में से 46 गए 24, तो 6 की वैल्यू अगर 24 आ गई, 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। आपने देखा 46 है छोटा, तो अगली बार बड़ा आने वाला है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी, 70 से 20 बड़ा कितना आ जाएगा, 90%, मतलब 90% मेन के पास स्मार्ट वॉच है। तो आपको बताना है कि जिन लोगों के पास, जिन आदमियों के पास, जिन मेन के पास स्मार्ट वॉच नहीं है उनका रेशो किन के साथ, जिनके पास स्मार्ट वॉच है। तो आपने देखा कि 10% के पास स्मार्ट वॉच नहीं है, 90% के पास स्मार्ट वॉच है, तो आपने देखा कि 1:9 है। अब कोई बोले कि सर ये 10% कहाँ से है, भाई टोटल आदमी है 100%, आपको पता है हर चीज़ टोटल कितनी होती है, 100%, 90% के पास क्या है, स्मार्ट वॉच, तो 10% के पास नहीं होगी। क्लियर है क्वेश्चन, बताइए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पिछले वाले सीक्वेंस भी चल रहे हैं, ये 1-2 क्वेश्चन बच गए थे, लगे थोड़े इम्पोर्टेंट हैं तो आपको करा दिए। बताइए क्वेश्चन क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। असल में ये क्लास जो ली गई है ना, ये इन क्वेश्चन के लिए नहीं ली गई, ये ली गई है, एक टाइप बनती है इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग पे, उसके लिए ली गई है ये क्लास, तो वो भी एक तरह का एलिगेशन का क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसलिए वो क्लास कराई, मतलब ये क्लास आपको कराई जा रही है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहित आपका जवाब नहीं आया, अब ये क्वेश्चन भी एक छूट गया था तो ये भी लाया हूँ मैं आपके बीच में। आपने देखा 3 ग्लासेस हैं, इनकी कैपेसिटी है 3 लीटर, 4 लीटर और 1 लीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले ग्लास की 3 लीटर, दूसरे की 4 लीटर, तीसरे की 1 लीटर, जिसमें मिक्सचर है किसका, स्पिरिट और वाटर का, किस अनुपात में, 2:3, 3:7, 4:11। ऑल 3 ग्लासेस आर पोर्ड इनटू अ सिंगल वेसल
द रेशो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द सिंगल वेसल इज, मतलब तीनों ग्लासेस को एक सिंगल वेसल में, मतलब एक सिंगल बर्तन में डाल दिया जाता है। बर्तन में बाद में स्पिरिट और वाटर का अनुपात क्या बन जाता है, 14:21। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपसे पूछा है। सर नोटिफिकेशन नहीं आता, किस चीज़ का नोटिफिकेशन भाई? देखिए क्वेश्चन में बोला है कि पहला ग्लास मान लीजिए, उसमें क्या अनुपात है स्पिरिट और वाटर का। तो आपने देखा कि स्पिरिट और वाटर का अनुपात पहले ग्लास में कितना है, 2:3, तीसरे में कितना, 3:7, पहले ग्लास में क्या अनुपात है स्पिरिट और वाटर का, 2:3, दूसरे में क्या रेशियो है, 3:7, तीसरे में क्या रेशियो है, 4:11। आपने देखा कि जब मैं इन दोनों को जोड़ूं कितना है 5, इन दोनों को जोड़ूं कितना है 10, इन दोनों को जोड़ूं कितना है 15। क्वांटिटी इक्वल नहीं है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वांटिटी इक्वल करनी है, आपको पता ही है 5, 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 30 बनाने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आ गया, 12:18। ये कितना आ गया 3 से मल्टीप्लाई करने पे, 9:21। और ये कितना आ गया, 8:22। ठीक है, अब आपको बोला गया इसके लेने हैं 3 लीटर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 3 लीटर, इसकी है 4 लीटर और इसकी है x लीटर। तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 36:54। ठीक है, दूसरी रेशो से आ जाएगा 36 और 81 = 84 और x से आ जाएगा आपका 8x और 22x। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब आपने देखा क्या कि स्पिरिट जो है पहले ग्लास में कितना है, 36 जोड़ दो, दूसरे में कितना है 36, तीसरे में कितना है 8x, फिर वाटर जोड़ दो, पहले में 54 है, दूसरे में 84 है, तीसरे में कितना है 22x, और फाइनल रेशो बनना क्या चाहिए जब ग्लास में डाल रहे हैं, 31 सॉल्व कर लो, 72 + 8x 138 + 22x। ठीक है, अब इसके आपको ऑप्शन देगा वो क्या, 4, 5, 6, 7। तो आप लोग ऑप्शन पुट करके करें इसको, सबसे सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखो ऑप्शन पुट करते हैं, 4, 72 में 32 जोड़ा कितना आ गया, 104। 104 क्या 14 पे चला जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, 5 पुट करो, 72, 40, 72 और 40 कितना आ गया, 112। ठीक है, हमने क्या किया, ऑप्शन पुट करने शुरू किए क्योंकि वो ही आसान है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके 2-3 स्टेप फालतू हो जाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी होगी। तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या करें, आप लोग ऑप्शन पुट करें, यहाँ पे रखा 5, 110 आ गया, 110 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 248। तो अगर मैं इसको किस पे काटूँ, अगर मैं इसको 8 पे काटूँ तो ये गया 14 पे और ये गया 31 पे। तो आपका ऑप्शन से क्लियर जल्दी हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया कितना, एक्स की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं हम पहले। सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वांटिटी इक्वल बनाते हैं, फिर आपको पता है इसकी कैपेसिटी 3 तो 3 से मल्टीप्लाई, इसकी कैपेसिटी 4 तो 4 से, इसकी कैपेसिटी x तो x से मल्टीप्लाई। सीधा नहीं कर देना है यहाँ पे कि यहाँ पे, मतलब आपने देखा कि इसका 3 लीटर तो पहले ही 3 लीटर से मल्टीप्लाई, फिर 4 से, फिर x से, बिल्कुल पहले ही कर दिया, मतलब क्वांटिटी इक्वल भी नहीं की। सबसे पहले क्या करो, क्वांटिटी इक्वल करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि अब डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है, कि इसका तो 3 लीटर है, इसका 4 लीटर और इसका x लीटर है, तब जाके डिफरेंस आएगा। नहीं तो जब आप यहाँ पे पहले ही मल्टीप्लाई कर दोगे 3 लीटर, 4 लीटर और x लीटर, तो आप मान के चलिएगा कि आप वास्तव में इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे जैसे डिफरेंशिएट इसको करना है। क्लियर है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, पहले वाले पैटर्न भी है सारा क्वेश्चन, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्लियर है, बताइए रोहित, मनोज,
चलिए भाई, को क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन एलिगेशन में कैसे है, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था वेट ऑफ एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, एक ज्वेलरी है, एक आभूषण है, उसका एक आर्टिकल है, ठीक है, वो गोल्ड और सिल्वर से मिलके बना है, उसका वजन है 28 ग्राम, उसकी कीमत है 8760 रुपये। अगर हम गोल्ड और सिल्वर का वजन बदल दें आपस में, तो आप मानकर चलिए कि उसकी कॉस्ट जो है 1560 रुपये लेस हो जाएगी, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ सिल्वर 90 रुपये पर ग्राम है, आपको गोल्ड का कॉस्ट बताना है ग्राम में कि पर ग्राम कितना कॉस्ट पड़ेगा, और वेट बताना है गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरी में कि गोल्ड और सिल्वर का क्या वेट होगा ज्वेलरी में, मतलब जो पहले वेट था। ये तो इफ़ वाली कंडीशन आ गई कि अगर ऐसा होता, वास्तव में नहीं है तो इफ़ की वैल्यू नहीं हमें बतानी, हमें पहले वाली वैल्यू बतानी है जिसमें 8760 रुपये रेट था और गोल्ड और सिल्वर को मिला के 28 ग्राम थे, तो उसमें बताना है कि गोल्ड और सिल्वर कितना था जब 8760 रुपये की कॉस्ट थी, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, लेट प्राइस कर लेते हैं ऑफ गोल्ड पर ग्राम कितना रुपीज़ के मान लीजिए, ठीक है। और क्या करते हैं कि इनिशियली मान लीजिए कि इनिशियली वेट ऑफ गोल्ड जो था वो था एक्स ग्राम, और वेट ऑफ सिल्वर जो था वो था वाई ग्राम। अब आपसे एक चीज़ तो समझ आ गई होगी आपको, क्या कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 28 ग्राम्स। कैसे, आपको पता है कि वजन कितना है आर्टिकल का, 28 ग्राम। अब आर्टिकल मिलके बना है किससे, गोल्ड और सिल्वर से, गोल्ड को हमने एक्स ग्राम मान लिया, सिल्वर को वाई ग्राम, तो आपको पता चल गया कि एक्स और वाई का जोड़ कितना है, 28। दूसरी चीज़ आपने देखी कि यार एक्स ग्राम क्या है गोल्ड, वाई ग्राम क्या है सिल्वर। आपको पता है कि 1 ग्राम की कॉस्ट सिल्वर की कितनी है, 90, ठीक है, तो वाई ग्राम की कितनी हो जाएगी, 90 वाई। आपको पता है 1 ग्राम गोल्ड की कॉस्ट हमने मानी है के, तो एक्स ग्राम की कितनी हो जाएगी के एक्स, और टोटल कॉस्ट क्या है इसकी, 8760 रुपये। ऐसे ही अब आपको बोला जा रहा है, क्या आपको ये बोला गया कि अब वजन इंटरचेंज कर दिया, वजन इंटरचेंज कर दिया मतलब वेट ऑफ गोल्ड हो गया वाई, वेट ऑफ सिल्वर हो गया एक्स। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अब की बार जो इक्वेशन तैयार होगी वो क्या हो जाएगी, के वाई प्लस 90x, और प्राइस जो है 1560 कम भी हो रहा है, तो प्राइस कितना हो गया, 7200 रुपये। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो आपने देखा कि के को कॉमन रखूँ एक्स प्लस वाई आ रहा है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को जब आपने जोड़ा तो आपने देखा के को कॉमन रखूँ एक्स प्लस वाई आ रहा है, 90 को कॉमन रखूँ एक्स प्लस वाई आ रहा है, और दोनों को जोड़ूँ अगर मैं तो ये बैठ रहा है कुछ 15960 बैठ रहा है, ठीक है। अब आपने देखा कि के प्लस 90 को लिख सकता हूँ मैं और एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाना है, 15960। अब आपको पता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू है कितनी, 28, तो आप यहाँ पे 28 से डिवाइड कर दीजिए, 28 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 140 और फिर 570 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 570 में से 90 चले गए तो 480, मतलब आपको पता चल गया कि गोल्ड की कीमत वास्तव में है कितनी पर ग्राम, 480 रुपीज़, एक वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको पता है क्या कि x प्लस वाई इक्वल टू 28 है, पहली इक्वेशन से करना, पहली से कर लो तो आपको पता है 480x 90y की वैल्यू 8760 है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। चलो करते हैं सॉल्व, 90 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब 90 से जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये इक्वेशन बन गई क्या, 90x प्लस 90y, और 28 280 में से 28 गए तो आपको पता कितना आ जाएगा, 252 0 काट दो,
काटा आपने तो यहाँ पे 390x आ गया, और यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 6240 आ जाएगा, सीधा ही है। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सॉल्व करके क्या, कि ये गया इस पे 39 78 एक ही बार जाएगा, और फिर 16 grams हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि गोल्ड कितना है, 16 ग्राम, तो सिल्वर कितना हो जाएगा, 12 grams। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 28। तो अगर x 16 ग्राम हो गया तो y कितना हो जाएगा, 28 - 16 12 grams हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? बताइए, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आसानी है, वैल्यूज पुट करते चले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। लेट करो पुट करो, लेट करो पुट करो। मनोज भाई क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी अगर इसमें कॉस्ट ऑफ गोल्ड पर ग्राम्स पूछी होती ना खाली, कि कॉस्ट ऑफ गोल्ड पर ग्राम्स बताइए, तो हम इसको ना डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, हम देखते क्या कि यार जब गोल्ड और सिल्वर ओरिजिनली थे अपने अपने वेट में, तो कीमत थी कितनी, 8760, और जब उनका वजन इंटरचेंज कर दिया तो कॉस्ट क्या पड़ गई आर्टिकल की, 1560 कम, 1560 कम कितनी, 7200। दोनों को आपने जोड़ा तो कितना आ गया, 15960, ठीक है। और वास्तव में दोनों का वेट जोड़ के था कितना, 28 ग्राम, तो 28 से काट दो तो यहाँ पे 570 आपका डायरेक्ट आ जाता। अब ये जो 570 आपका आया है, ये कॉस्ट ऑफ गोल्ड पर ग्राम प्लस कॉस्ट ऑफ सिल्वर पर ग्राम आई है, तो आपको इसमें से क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गोल्ड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ सिल्वर पर ग्राम माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ से 480 डायरेक्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गोल्ड पर ग्राम आपका डायरेक्ट आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, पहले ओरिजिनली जो कॉस्ट थी, फिर जो बाद में कॉस्ट हो गई, क्या करो उन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो जो आर्टिकल का वजन है, ठीक है। और उसमें अब जो है, मतलब जो वैल्यू आई है, वो कॉस्ट ऑफ सिल्वर पर ग्राम प्लस कॉस्ट ऑफ गोल्ड पर ग्राम आई है, तो कॉस्ट ऑफ सिल्वर पर ग्राम माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ गोल्ड पर ग्राम आपकी वैल्यू आ जाएगी। कुछ नहीं है, यही चीज़ मैंने शॉर्ट में की हुई है, यही चीज़ मैंने शॉर्ट में की हुई। आप लोग समझ जाओगे जब कर लोगे ना इन चीज़ों को बहुत बार, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला फंडा स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन कितना है, 5:3। अगर इनकम को 15% बढ़ा दिया जाए, एक्सपेंडिचर को 9% बढ़ा दिया जाए, तो सेविंग कितने परसेंट बढ़ेगी, ये पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहले हम इनिशियल तरीका देखते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, तो इसको हम एलिगेशन ही कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आपको पता है कि यार एक्सपेंडिचर मैं यहाँ लिखता हूँ, सेविंग यहाँ लिखता हूँ। आपको पता है इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के आता है। क्यों? क्योंकि जितना हमने खर्चा और जितना हमने बचाया उतना ही हमने कमाया होगा, जितना हमने कमाया होगा उसी में से ही हम खर्चा करेंगे, उसी में से ही जोड़ेंगे, आपको सबको ही पता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 9%, सेविंग की वैल्यू निकालनी है। और जब एक्सपेंडिचर और सेविंग की अलग अलग बात कर रहे थे, हमने इनको अलग अलग लिख लिया, अब इनकम की बात कर रहे हैं जो कि एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर बनी है, तो इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 15%। और आपको पता है क्या एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है, 5:3। तो आपने देखा कि 15 में से 9 गया, कितना आ गया, 6, तो 3 की वैल्यू 6%, तो 5 की वैल्यू 10%। अब 5 की वैल्यू 10% हो गई, इधर 15 से छोटा है तो इधर 15 से बड़ा होगा, 15 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि आपको 15 में 10 जोड़ना पड़ेगा आपकी बार, तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
दूसरा तरीका देख लीजिए, आपने देखा कि इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, हमने देखा कि एक्सपेंडिचर है 5, सेविंग है 3। अब मैं दोनों को जोड़ दूं एक्सपेंडिचर और सेविंग को, तो आपको पता है मैं रेशो की बात कर रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर का रेशो कितना 5, सेविंग का कितना 3। तो आपने देखा कि इनकम का कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ा 8। आप क्या करो, लेट कर लो कि ये 800 है, ये 500 है और ये 300। सेविंग को अलग क्यों कर दिया, क्योंकि फाइनली हमें सेविंग की वैल्यू बतानी है, तो सेविंग को आप लोग अलग कर दीजिए। तो हमें पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, सेविंग। तो आपने यहाँ से देखा कि इसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट आया, तो आपने देखा कि इसमें इंक्रीमेंट आया 15% का, तो आपने इसके 15% की वैल्यू लिख ली। इसके 15% की वैल्यू आ जाएगी 120। इसमें कितना आया, इसमें आया 9% का, तो आपने 500 का 9% देख लिया कि 500 का 9% कितना आ जाएगा। तो 500 का 9% आपके पास कितना आ जाएगा, 45। तो इन दोनों को जब आपने माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 75। अब 75 बताना है आपको, तो आपने देखा कि यार सेविंग जो थी 75 बड़ी, इनिशियल कितनी थी 300। आपको पता है जिसकी वैल्यू पूछी जाए वो न्यूमरेटर में आता है, जिस पे पूछी जाए, तो आपको पता है इनिशियली क्या था सेविंग 300। परसेंटेज आपको निकालना है, 25% आपका आंसर आ जाएगा। या फिर कोई कहता कि सर ना हमें तो कहीं पे कराया है कि आप ज़्यादा छोटा करा रहे हो, हमें कहीं पे कराया कि 800, 500 और 300 तो ऐसे ही लिखते हैं वो। फिर वो बोलते हैं कि 15% का इंक्रीमेंट हुआ तो जाके वैल्यू कितनी आ गई, तो 800 15% का इंक्रीमेंट मतलब 115 बाय 100 कैसे लिखा मैंने, 100% तो वो खुद की वैल्यू, 15% एडिशन हो गया उसमें, तो ये कितना आ गया आपके पास, 920 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 9% का इंक्रीमेंट, तो आपने देखा कि ये 545 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो ये 375 आएगा। फिर उसने कहा था क्या कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू आपने की, बाय इनिशियल वैल्यू रखी, इंटू 100 किया, तो कोई बात नहीं भाई, तब भी आंसर ऐसे ही आएगा। इसमें क्या था, उसने इंक्रीज होकर कितनी वैल्यू हो गई, इंक्रीज होकर कितनी वैल्यू हो गई और इंक्रीज होकर कितनी वैल्यू हो गई वो लिखी। हमने देखा कि इंक्रीमेंट हुआ कितने का, ये तो इंक्रीज होने के बाद इनिशियल में जोड़ा तो इंक्रीज होके इतनी वैल्यू हो गई। हमने देखा कि इंक्रीज ही इतने का हुआ, इंक्रीज ही इतने का हुआ, इंक्रीज ही इतने का हुआ, तो हमारा एक स्टेप बच गया। हमें फाइनली पता चल गया क्या कि इंक्रीज हुआ 75 का, कितने पे हुआ, 300 पे। तो आपको समझ आ गया होगा, मनोज क्लियर है भाई, 3-3 मेथड है, जिस मर्जी से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं मैं, देखिए। अब ये क्वेश्चन भी आसान है, ये क्वेश्चन भी आपका एलिगेशन से हो जाएगा, तो आप इसको एलिगेशन से कर लीजिए। आपने देखा क्या इनकम और सेविंग और एक्सपेंडिचर का ही क्वेश्चन है, तो हमने क्या देखना है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दे दिया, तो आप लोग क्या करें एक्सपेंडिचर और सेविंग को लिख लीजिए। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, 21%, सेविंग कितनी इंक्रीज हुई पता नहीं, और इनकम पता चल रही है कितनी इंक्रीज हुई, 15%। आपने एक चीज़ देखी क्या, एक्सपेंडिचर और सेविंग की अलग बात कर रहे थे, अलग लिख लिया, अब इनकम की बात हो रही है जो कि एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर बनी है, तो इसको बीच में लिखा। अब आपने देखा 21 में से 15 गया 6, तो 2 की वैल्यू 6%, तो 3 की वैल्यू आपको पता चल गई 9%। अब इधर वैल्यू बढ़ी है 15 से, तो इधर छोटी हो जाएगी, 15 में से 9 गया, यहाँ पे 6% आना है। आपने देखा क्वेश्चन में लिखा है हिज सेविंग इंक्रीजेस बाय 360 रुपीज़, हमारा आया परसेंटेज में, इसने दे दिया रुपीज़ में, तो हमने देखा कि हमारे हिसाब से 6% इंक्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन में बोला कि 360 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 6% की वैल्यू 360 रुपये, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 60 रुपये, 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6000 रुपये। आपको यहाँ से एक चीज़ पता चली कि इनिशियली जो सेविंग थी उसकी वो कितनी थी, इनिशियली या इनिशियल ही लिख लें, तो आपको एक चीज़ यहाँ से पता लग गई क्या कि इनिशियल सेविंग जो थी वो कितनी थी, 6000 रुपये। अब इनिशियल सेविंग 6000 थी, और आपको पता है क्या
कि सेविंग अगर 6,000 है तो एक की वैल्यू आ गई 3,000। आपसे पूछा है कि इनकम बताइए इनिशियली, तो आपने देखा कि इनकम इनिशियली कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 को अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, मतलब 3 और 2 को जोड़ के अगर मैं 5 की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी, 15,000 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें आसान चीज़ें हैं। और कोई कहे सर कि आप तो कहते हो कि 100% की वैल्यू जब आप निकाल रहे हो तो आप उसकी वैल्यू निकालते हो जिस पे सेविंग आती है, मतलब इनकम। भाई मेरे 6% का इंक्रीमेंट हुआ है, अगर मैं 6% की वैल्यू 360 देख रहा हूँ तो 1% की सेविंग की वैल्यू है 60 रुपये, और जो इनिशियली सेविंग थी जो कि 100% थी, 100% में 6% इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 500 में 9% इंक्रीमेंट, 800 में 15% इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये सेविंग में 6% इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब सेविंग इनिशियली कितनी थी, 100% सेविंग थी, ये इनकम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन में बोला है एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 22% लेस देन हिज सेविंग। ठीक है, अगर उसके एक्सपेंडिचर को मैं 10% बढ़ा दूँ, सेविंग को मैं 6% बढ़ा दूँ, तो इनकम कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 1932, मतलब 1,932 रुपये। फाइंड हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन है। देखा, हमने देखा यहाँ पर पहले तो क्या कि यार एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो निकालता हूँ। क्वेश्चन में बोला है एक्सपेंडिचर जो है बंदे का सेविंग से 22% कम है, सेविंग के हिसाब से कंपैरिजन कर दिया, तो सेविंग मान लीजिए 100%, तो ये हो गया 22% कम, तो ये कितना हो गया 78%। अब 78:100, तो आप रेशो जब सॉल्व करोगे, इसको काट गए, तो फाइनली रेशो क्या आने वाला है एक्सपेंडिचर और सेविंग का, 39:50। तो अब आप एक्सपेंडिचर देखते हो 10% इंक्रीज हुआ, सेविंग देखते हो 6% इंक्रीज हुई, और इनकम की वैल्यू आपको निकालनी है, और यहाँ पे आपने देखा कि 39:50, आप क्या करोगे 89 नीचे से दोनों को जोड़ के ऊपर से 4%, तो 89 की वैल्यू 4% करके आप निकालने की कोशिश करोगे, एक तो बहुत लेंथी हो जाएगा और एक आंसर आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन सॉल्व करने में गलतियाँ हो ही जाती हैं। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे, अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं, बेसिक इन द सेंस कि जो हमने पहले वाला मेथड अडॉप्ट किया था। एलिगेशन तो हमारे लिए ट्रिक हो गया, वैसे तो हमारे लिए दोनों ही ट्रिक हैं, जब हम एक्स में एक्स से नहीं सॉल्व कर रहे इसको तो मान लीजिए वो ट्रिक ही है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये तो एलिगेशन से सॉल्व होने वाला नहीं है, मतलब हमारा ट्रिक ऑफ ट्रिक से सॉल्व होने वाला है नहीं, तो अब हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हमने देखा कि एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 39, सेविंग कितनी हो गई 50, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो इनकम कितनी आ रही है 89। तो आप क्या करें, इनकम को आपकी बार अलग कर लें, क्यों, क्योंकि सेविंग का पता है कितना इंक्रीज हुई है, एक्सपेंडिचर पता है कितना इंक्रीज हुआ है, सेविंग का पता है कितनी इंक्रीज हुई है, तो आपको बताना है इनकम कितनी इंक्रीज हुई है। इनकम को इंक्रीज बताने के लिए आप लोग क्या कीजिए, आप लोग कुछ मत कीजिए, आप लोग सिर्फ इनकम को अलग कर लीजिए। आपने देखा कि यार मैं इसको मान लेता हूँ कितना, इसको मैं मानता हूँ 390, इसको मैं मान लेता हूँ 500, तो ये कितना आ गया 890। ठीक है, हमने देखा कि 390 का 10% कितना आ गया, तो आपने देखा कि 10% का इंक्रीमेंट हो गया, तो आपने देखा कि 390 के 10% की वैल्यू कितनी आ गई 39 आ गई। फिर आपने देखा कि सेविंग कितनी इंक्रीज हुई 6%, 500 का 6% कितना आ जाएगा आपको पता 30 आ जाएगा, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 69, मतलब 890 तो इनिशियल इनकम थी जिसमें इंक्रीमेंट कुछ हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ 69 इनकम का इंक्रीमेंट हुआ। कैसे हुआ, एक्सपेंडिचर 39 बढ़ा, सेविंग बढ़ी 30, तो जब दोनों को जोड़ा तो हमें पता चल गया कि इनकम कितनी बढ़ी 69 बढ़ी। अब हमने देखा कि इनकम का रुपीस दे रखा है, कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि इनकम इतने रुपये बढ़ी, हमारी बढ़ी 69, क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले के हिसाब से बढ़ी 1932, हमारी वैल्यू क्वेश्चन की वैल्यू के इक्वल रख देंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी आ जाएगी
पहले तो ये गया 2 पे और फिर गया यूनिट डिजिट 2 है तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 बनेगा। 1 की वैल्यू आ गई ₹28। अब आपसे इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा है, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर आप लोग हंसते खेलते गाते मुस्कुराते निकाल दोगे। कैसे? आपको पता है इनिशियल एक्सपेंडिचर माना कितना था हमने? 390। तो ₹28 को 390 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 28 को 8 × 72, 8 × 3 = 24 और 7 जोड़े 31 और तो ये 78 तो इनको जोड़ा अपन ने तो ये 10920 आएगा मेरे हिसाब से। रुको ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ। 13,000, 18,200, 11,810 हाँ आ गया, ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है, समझ आ गया? बताइए क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं? आसान ही है, बस ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से होगा क्योंकि इससे करना आसान है। एलिगेशन से करोगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी कैलकुलेशन में, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत तो हम आने नहीं देंगे ना, आपको पता ही है। हमने वैल्यू इलेक्ट कर लेनी है सबकी कि इसमें 10 जोड़ो, और ये जोड़ा भी इसलिए गया है सारा कुछ, मतलब ये 39 का 390, 50 का 500, 89 का 890 इसीलिए बनाया है ताकि जब हम इसकी परसेंटेज करके वैल्यू निकालें, मतलब मैं इसका 10% निकालूं तो मेरा पॉइंटों में ना है, फ्रैक्शन में ना है, इसीलिए हमने 10 फालतू लिया है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें भी थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, और अगर हम ऐसे करते क्या कि हम इसमें 39 जोड़ के मतलब इसके 110% की वैल्यू लिखते तो यहाँ पे जो आता वो क्या आ जाता है, यहाँ पे 959 आ जाता, फिर हमको दोनों का डिफरेंस देखना पड़ता। जैसे मैंने ये वाला कराया पिछली बार, ये वाली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, अगर हम इस हिसाब से करते ठीक है तो यहाँ पर 959 आता, फिर दोनों का डिफरेंस लेके 69 आता, फिर हम इसके इक्वल पुट करते। ठीक है, पर हम तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्मूथ मेथड से चलेंगे बिल्कुल, कि हम सिर्फ इंक्रीमेंट देख लेंगे कि इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 39 का, एक्सपेंडिचर में सेविंग में हुआ 30 का, तो इनकम में कितने का हो गया 69 का। और यही बताया गया क्या कि इनकम जो है इंक्रीज हुई है 1932, तो हमारे हिसाब से 69, क्वेश्चन के हिसाब से 92, इक्वल पुट कर दो, एक की वैल्यू निकाल दो, और हमने एक्सपेंडिचर माना कितना था 390। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, करना और इसका आंसर मुझे बताना, और ये भी एलिगेशन से नहीं होगा, दूसरे मेथड से ही होगा, ये मैं करा देता हूँ। ठीक है, अब की बार क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब पहले तो एलिगेशन लगाते हैं इस पर। हमने देखा क्या कि इनकम भी इंक्रीज हो रही, सेविंग भी इंक्रीज हो रही है और एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करें? आपने देखा कि एक्सपेंडिचर का एक्शन उल्टा है, किससे? सेविंग और इनकम से। तो आप लोग क्या करें, एक्सपेंडिचर को नेगेटिव मान लें, सेविंग और इनकम को पॉजिटिव रखते हुए। तो इनकम की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या रेशियो है, 8:5। अब आपको पता है नीचे वाले को ऐड करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंस देखते हैं, तो 25 और 13 का डिफरेंस नहीं देखना, 25 और माइनस 13 का डिफरेंस, तो 25 माइनस ऑफ माइनस 13, तो आपको पता है यहाँ पे 38 आ गया। अब 13 की वैल्यू 38 आ गई तो इसको सॉल्व करना भी इम्पॉसिबल है। अगर यहाँ पे आ जाता 39 तब तो हम इसको कर देते, अब यहाँ पे आया ही उल्टा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करें? तो एलिगेशन लगाना तो खाला जी का घर हो गया, तो अब हम इसको अपने उसी मेथड से करते हैं। एलिगेशन आसान है, कई टीचर होंगे वो आपको बताएंगे कि देखो वैल्यू ही ऐसी ले लेंगे, कि मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी वैल्यू हैं जो सिर्फ एलिगेशन से एक सेकंड, मैं कहूँ 10 सेकंड के भी नहीं होंगे क्वेश्चन, पर हमें वो भी तैयार करना है क्योंकि अब की बार आपने अगर नोटिस किया हो तो प्री 18 मेंस 18 और प्री 19 मेंस 19 में जो इस तरह का क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन एक भी, मतलब एक भी नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब ये मान सकते हैं कि 70% क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि एलिगेशन से सॉल्व ही नहीं हो सकते,
वो हमें इसी मेथड से सॉल्व करने पड़ेंगे, इस वाले से जो अब पूछ रहा है TCS, जो पूछ रहा है ना वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो एलिगेशन से सॉल्व भी नहीं होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन 70-75% कह सकते हैं वो क्वेश्चन हमारे उसी मेथड से सॉल्व होंगे, रेशियो वाले मेथड से, ठीक है। इससे होंगे ही नहीं, एलिगेशन से सॉल्व ही नहीं होंगे, तभी हम दोनों के लिए प्रिपेयर करते चल रहे हैं। वरना मैं भी पहले एलिगेशन से ही करा देता था इसको, पर अब हम दोनों के लिए प्रिपेयर होकर चलेंगे भाई, कब किस्मत की घंटियाँ बज जाए आपको पता ना चले, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, हमने देखा कि एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम इंक्रीज हुई है फाइनली, ठीक है। तो इनकम को अलग कर लो, एक्सपेंडिचर और सेविंग को अलग। एक्सपेंडिचर देखा 8, सेविंग देखी 5, तो आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर को 800 मान लिया, सेविंग को मान लिया 500, तो इनकम कितनी हो गई 1300, ठीक है। अब आप देखें कि सेविंग जो है 25% इंक्रीज हुई, इसके 25% की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने देखा कि 500 का 25% होता है 500 का 1/4 जो कि होता है 125। इसमें डिक्रीमेंट आया कितने का, इसमें डिक्रीमेंट आया 13% का, तो 800 का 13% आपको पता है कितना होगा 104, ठीक है। तो आपने देखा कि 125 में से 104 गए कितना 21, मतलब इनकम में 21 का इंक्रीमेंट आया, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में, तो 21 की वैल्यू कितनी आ गई 1680। हमारे हिसाब से 21 इंक्रीमेंट हुआ, क्वेश्चन में हुआ 1680 इंक्रीमेंट, अपनी वैल्यू क्वेश्चन की वैल्यू के इक्वल पुट कर दी, एक की वैल्यू 80 रुपये आ गई, एक की वैल्यू 80 आई, तो आपसे इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, तो मतलब आपसे 800 की वैल्यू पूछी है, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर को माना कितना था 800, 800 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64,000 वैल्यू आ जाएगी। रोहित मनोज क्लियर है आपको, थोड़ा तबीयत का इशू है इसीलिए थोड़ा क्लास बोरिंग हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना सब, बाकी कंटेंट आपको बहुत अच्छा दिया जा रहा है आपको पता ही है। तो ये क्वेश्चन इक्वेशंस बना के इसीलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई, अगर एग्जाम में एलिगेशन से हटके कॉन्सेप्ट पूछ ले ना, एलिगेशन के तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको करा के मैं 2 मिनट में यहाँ से फारिग हो सकता था, बट कराना वही है जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। चलिए भाई को क्लियर हो गया, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बोला है दो वेसल हैं, उनकी कैपेसिटी है एक की है 15, दूसरे की है 12 लीटर रिस्पेक्टिवली, हैव एसिड ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, मतलब जो 15 लीटर जिस वेसल में कैपेसिटी है उसमें एसिड अलग है, 12 लीटर वाले में अलग है एसिड की कंसंट्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या किया गया, मतलब क्या हुआ फिर, सेम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकाली गई दोनों वेसल में से और अदल बदल के डाल दी, मतलब क्या हुआ कि इस वेसल में से क्वांटिटी निकाली, इस वेसल में से क्वांटिटी निकाली, अब ये दोनों क्वांटिटी सेम निकाली, तो इसकी क्वांटिटी इधर डाल दी, इसकी क्वांटिटी इधर डाल दी, नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज सेम इन बोथ वेसल्स, अब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया दोनों वेसल में, पहले नहीं था सेम अब हुआ सेम, फाइंड द क्वांटिटी ड्रॉन ऑफ फ्रॉम ईच वेसल, मतलब ये बताना है कि ये जो थी ना इक्वल क्वांटिटी जो निकाली थी ये कितनी निकाली थी, ये पूछा है कि फाइंड द क्वांटिटी ड्रॉन ऑफ फ्रॉम ईच वेसल, दोनों वेसल में से जो क्वांटिटी निकाली गई थी वो कितनी थी। देखो इसको सॉल्व करने का एक सबसे बढ़िया ट्रिक है क्या, ऊपर वाली दोनों को, मतलब जो कैपेसिटी है दोनों, वो दोनों कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो उनके एडिशन से, तो 15 × 12/27, ये इसकी ट्रिक कह लो, फॉर्मूला कह लो, जो मर्जी कह लो, आप ही की मर्जी है, तो यहाँ पे 20/3 आ जाएगा, मतलब 6.67 लीटर क्वांटिटी निकाली गई थी दोनों वेसल में से, ठीक है। तो इसका ये ट्रिक है क्या कि दोनों कैपेसिटीज़ को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, किससे, दोनों कैपेसिटी के एडिशन से, ये तो इसकी है ट्रिक कह लो, फॉर्मूला कह लो, जो मर्जी कह लो, ठीक है। कोई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हो तो लिख ले कि एक वेसल की कैपेसिटी कितनी एक्स लीटर, दूसरे की वाई, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है क्या कि जब सेम क्वांटिटी निकाली गई दोनों वेसल में से और एक दूसरे के अंदर डाली गई, मतलब अपोजिट, पहले में से क्वांटिटी निकाली दूसरे में डाल दी, दूसरे से निकाली पहले में डाल दी, तो जो क्वांटिटी निकाल रही थी दोनों,
मतलब जो क्वांटिटी दोनों वेसल में से, जो कि इक्वल क्वांटिटी है दोनों वेसल में से जो निकाली गई, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे किससे, दोनों कैपेसिटी के एडिशन से। और ये इस क्वेश्चन में, मतलब इस इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब में ये फॉर्मूला लगने वाला है। बस यहाँ पे ये दो चीज़ें चेंज कर देगा, वो वैल्यूज चेंज कर देगा जब भी ऐसी स्थिति बने। क्या स्थिति बनेगी, दो वेसल हैं, अलग अलग कैपेसिटी हैं, अलग अलग वॉल्यूम है इनकी, सेम क्वांटिटी निकाली गई दोनों में से, ठीक है, इधर डाल दी ये वाली, इधर डाल दी। अब क्या हुआ, जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है जो कि पहले सेम नहीं था दोनों वेसल में से, अब वो इधर उधर डालने के बाद दोनों वेसल में सेम हो गया। तो ये बताना है कि कितनी क्वांटिटी दोनों वेसल से ली गई, तो वो इक्वल ही है, उसकी वैल्यू कैसे निकाल देंगे। ऐसे बेसिक जानना तो बताइए मेरे को, बेसिक बता देता हूँ, फटाफट बताइए अगर बेसिक जानना हो। चलिए बता ही देता हूँ, देख लो, ठीक है। हमने मान लिया, क्या हमने मान लिया, एक वेसल है, इसमें है 15 लीटर वॉल्यूम, इसमें है 12 लीटर वॉल्यूम। आप मान लीजिए क्या कि इसमें एसिड जो है 100% है और इसमें एसिड जो है कितना, 0% है, ठीक है। आप क्या मानो, आप मान लो कि इसमें एसिड की क्वांटिटी जो है या एसिड का कंसंट्रेशन जो है या एसिड का परसेंटेज जो है वो कितना है, 100%, और इसमें कितना है, 0%। आपने मान लिया, ठीक है, आपने क्या किया कि कुछ एसिड निकाला और इसमें डाल दिया, क्या डाला, कुछ एसिड निकाला और इसमें डाल दिया, और इसमें से निकाला क्या, एसिड तो है ही नहीं, तो है क्या इसमें, वाटर, तो इसमें से वाटर निकाला, इसमें डाल दिया। मान लीजिए कि आपने के एसिड निकाला इधर से और उधर डाल दिया, तो आपने देखा कि इधर एसिड बचा कितना, 15 माइनस के, एसिड का फ्रैक्शन कितना बचा, 15 माइनस के बाय 15, क्योंकि टोटल है कितनी क्वांटिटी, 15, क्योंकि जितना निकाला था के उतना ही के बढ़ गया दोबारा इसके अंदर, किस फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। तो आपने देखा कि एसिड बाय टोटल वॉल्यूम पहले वेसल की कितनी होगी, 15 माइनस के बाय 15, तो एसिड कितना है पहले वाले में, पहले तो 15 लीटर था, के लीटर निकाल लिया, अब के लीटर उसमें से एसिड निकाला, बदले में के लीटर पानी डाला हुआ है उसमें, तो आपने देखा कि वो तो 15 लीटर पूरा हो गया, पर उसमें एसिड जो है वो कितना रह गया, 15 माइनस के, और टोटल वॉल्यूम 15 ही होगी पूरी। अब इसमें एसिड जो के इधर से निकला था वो इसमें डाल दिया के, और इसकी क्वांटिटी है कितनी टोटल, इसमें से वाटर निकला था और उसमें एसिड उतना ही डाल दिया जितना वाटर निकला था, तो आपने देखा कि दोबारा इसकी जो टोटल वॉल्यूम हो गई कितनी हो गई, 12। तो आपने देखा कि एसिड का फ्रैक्शन कितना है पहले वाले में, एसिड का फ्रैक्शन है एसिड की वैल्यू बाय टोटल वॉल्यूम, इसमें दूसरे वाले में एसिड की वैल्यू बाय टोटल वॉल्यूम। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 15 × 12 − 12 के, और यहाँ पे आ जाएगा 15 के, तो आपने देखा कि हो गया 27 के, ये हो गया 15 × 12। ये कुछ नहीं लिखा, ये ना पिछले वाली ट्रिकी लिखी है, ठीक है, मैंने वो चीज़ आपको डायरेक्ट बता दी थी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन से डिवाइड कर दो, और ये चीज़ अब बाद में आई है सॉल्व करके पूरे प्रोसीजर से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, और आप लोग बने रहें, और इन सारी जगह हम लोग अवेलेबल हैं, आप सब हमारी ये सारी जगह विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट है हमारी, यहाँ पर आपको सभी तरह के लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर हम हर तरह का गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डाल रहे हैं, चाहे उसकी इम्पोर्टेंस 1% है, चाहे उसकी इम्पोर्टेंस 100% है, कोई वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो सब डालते हैं हम इस पर। और जो लेक्चर ख़त्म होता है तो PDF जो नोट्स की बनती है वो भी डालते हैं, क्वेश्चन बैंक जो मैं खुद तैयार कर रहा हूँ वो भी डालते हैं हम इस पर, और क्लासेस का लिंक भी डालते हैं जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाती है। फेसबुक पे हम सभी इंक्वायरीज ले रहे हैं, और जो भी नोटिफिकेशन का लिंक, PDF तो डल नहीं सकती फेसबुक पे, तो जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आती है वैकेंसी से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उन सभी के लिंक्स हम यहाँ पर डालते हैं। यूट्यूब पे हमारा फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं, हफ्ते में 4 दिन हम क्लास कंडक्ट करते हैं, आने वाले टाइम में हम 5 दिन भी करेंगे 1-2 हफ्ते बाद, और फ्री लाइव क्लास है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं पे करना, और इसमें 100% सिलेबस SSC के सभी एग्ज़ाम, जो जो SSC जो जो
एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सारे एग्ज़ाम्स की हम 100% तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर कंटेंट लेकर चल रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले टाइम में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे वो सब कुछ हम करा रहे हैं। बैंकिंग CDS LIC FCI EPFO NDA CAT और CSET का भी हम 80-85% सिलेबस कवर कर रहे हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी हम करते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोग अपना नंबर सेव करा लीजिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो हम स्टोरी में डालते हैं वो आपको दिख जाए। या क्लास कभी पोस्टपोन हो जाती है, जैसे 2 दिन क्लास पोस्टपोन रही उसके इन्फॉर्मेशन हम स्टोरी में डालते हैं, और क्लासेस का लिंक 3-4 घंटे पहले जब लाइव क्लास होने वाली हो 3-4 घंटे पहले हम लोग डाल देते हैं उसका लिंक भी, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। और इससे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम वर्क एंड वेजेस, जो कि टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इसी की प्लेलिस्ट में एज एक टॉपिक कराया था हमने, वो भी इसी की प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है। तो इन सब की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज मिक्सर एंड एलिगेशन की भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, कल से नेक्स्ट क्लास से मिक्सर एंड एलिगेशन की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टाइम एंड वर्क का पहला लेक्चर, पाइप एंड सिस्टम का पहला लेक्चर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला लेक्चर, मिक्सर एंड एलिगेशन का पहला लेक्चर अभी आपको स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। तो आप लोग खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, जल्द ही आपको सफलता मिल जाएगी, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा, बट डेडिकेटेडली आप लोग तैयारी करते रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, थैंक यू।